हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना के बारे में। तो देर किस बात की है, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए और चलते हैं पटना के मजेदार सफर पे। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी है जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में गांधी सर के बेकार राजनीतिक और सार्वजनिक मानों में धसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या चाणक्य हो, यह सभी पटना से ही थे जिसे भारतीय इतिहास के ज्ञान के क्षेत्रों में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत का असल छाप देखनी हो तो पटना के शहर तो बनती है। दोस्तों, माना जाता है कि पाटली एक पेड़ की प्रजाति है जो भी सिर्फ पटना में ही पाया जाता था, उसी पर इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में इस शहर को पटना के नाम से जाना जाता है जो कि बिहार की राजधानी है। पटना का स्थापना लगभग 490 ईसा पूर्व मगध काल में हुआ था। दुनिया के सबसे लंबा सड़क पुलों में से एक पटना में स्थित है जो 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पटना में खान पान और पर्यटन स्थलों के बारे में। पटना शहर अपने खान पान के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पर आपको दुनिया भर के सभी व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। लेकिन सबसे फेमस यहाँ का लिट्टी चोखा है। यह एक साधारण खाना है जिसे अमीर गरीब सभी खा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पटना में घूमने की जगहों की। तो यहाँ पर गोलघर, तारा मंदिर, चिड़ियाघर आदि घूमने की जगह है जहाँ पर आप बेहतरीन तरीकों से घूम सकते हैं। तो यह थी पटना के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।